नमस्कार दोस्तों, एमसीजी एकेडमी ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज है 26 अगस्त और आज हमारे साथी जो एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आ चुके हैं, तो इनका जो है ट्रेड टेस्ट था आज। आप इनको आसानी से ध्यान से सुन सकते हो किस प्रकार से क्या क्या हुआ था। आज दिल्ली बॉर्डर कैरियर का जो है सेकेंड डे था और ये एक्सपीरियंस का 58वां वीडियो, इससे पहले जो 57 वीडियो मैं आप लोगों के लिए ला चुका हूँ। दोस्तों, ट्रेड चाहे कोई भी हो, लेकिन आप लोगों को प्रत्येक ट्रेड का एक्सपीरियंस पूरा ध्यान से अंत तक सुनना है, क्योंकि हर बंदे से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। और मैं आप सभी को एक और बात बोलना चाहता हूं दोस्तों, कि हमारे इस चैनल पर जो है क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो इस कारण से मैं इस पर वीडियो आप लोगों के लिए जल्द से जल्द बंद करने वाला हूं। नीचे जो हमारा चैनल दिया गया है आरपीएफ ऑल डिफेंस नाम से, आप चैनल पर यदि विजिट करते हो तो आप लोगों को एक और चैनल देखने को मिलता है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आगे से आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, इस वाले चैनल पर यदि आप बने रहना चाहते हो, तो आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस पर जो है अकेडमिक क्लासेस, साथ ही साथ NTPC का क्रैश कोर्स और CTET की तैयारी करवाई जा रही है। आप यदि पढ़ने के इच्छुक हैं तो आप लोग इस चैनल पर भी जुड़े रहिएगा, लेकिन यदि आप जो आरपीएफ उसको आगे बढ़ा रहे हो, तो आप लोग उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत से जो है कुछ बातें गलत भी हो रही हैं, इसी के मुद्दे को खड़े लेकर के जो हमने उस चैनल को तैयार किया है। हालांकि ऐसा अपन नहीं कह सकते क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन आप लोगों को हर एक बंदे का एक्सपीरियंस जरूर सुनना है। तो इन भाई का एक्सपीरियंस कुछ बहुत ही अजीब तरीके का है, बहुत अच्छा रहा पहले दिन का एक्सपीरियंस, कि किस प्रकार से वहाँ पर क्या क्या हो रहा है। आरपीएफ दिल्ली वाले जो ट्रेड टेस्ट बॉर्डर कैरियर का आज वहाँ शुरू हो चुका है, जितने भी बंदे हैं सभी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपना एक्सपीरियंस हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यदि आप एक्सपीरियंस शेयर नहीं करोगे तो आपके लिए भी कोई बंदा एक्सपीरियंस शेयर नहीं करेगा। ओके, तो ये भाई ने जो है एग्जाम सेंटर से सीधा निकल के हमें इन्फॉर्म किया और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, बिल्कुल अभी जस्ट अभी निकले ही हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो है थोड़ा सा हमें कॉपरेट कीजिएगा और इनका पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और इनको पूरा अंत तक ध्यान से सुनिएगा। ओके, और जितने ही बंदे का है कल परसों जब भी अपना नंबर सेंड कर दीजिए और मुझे भी सीधा कॉल आप कर सकते हो, मेरा नंबर 9981836046। ओके, धन्यवाद दोस्तों, इनको सुनिएगा ध्यान से। तो ये बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम नवीन कुमार जांगिड़े है। हाँ सर, आज मेरा 26 तारीख को ट्रेड टेस्ट है, 26 अगस्त याद ना? अगस्त को हाँ, ट्रेड कौन दिल्ली सी की। थी? हाँ, ट्रेड वाटर कैरियर है ये, दिल्ली में हुआ था सर मेरा। हाँ तो जैसे मैं रात को 3 बजे के आसपास आ गया था, हाँ सर, तो यहाँ पे लाइन लगा ले, उसके बाद है ना एडमिट कार्ड और वोटर आईडी कार्ड से एंट्री हो गई अंदर किस किस अंदर चीज से? जैसे अंदर एडमिट बैठा लेते कार्ड, हैं गेट, एडमिट जैसे कार्ड बाहर और रहते हैं ना उनको अंदर ले लेते हैं। हाँ फिर सभी बंदों को ऐसे जैसे अंदर बैठा लिया, 500 आए तो 500 को अंदर बैठा लिया। कितने फिर बजे जैसे बीस तक बीस के ग्रुप में है ना, सर, कितने बजे तक अंदर बैठा लेते हैं? जैसे 500 आए, 500 क्या होता है रोज पार्टी डे डेली, हाँ तो उनमें से जैसे कोई 450 आते हैं, कोई 450 आते हैं, 500 भी आ जाते हैं, उस हिसाब से है ना अंदर ले लेते हैं सभी को। हाँ फिर जैसे अंदर सभी को एक साथ बैठा के और 20-20 के ग्रुप बनाते हैं, उसके बाद है ना बायोमेट्रिक करवाते हैं उनसे। बायोमेट्रिक करवाने के बाद सर ट्रेड टेस्ट के लिए ले जाया जाता है। आज यहाँ पे है ना फर्स्ट डे था, मतलब वाटर कैरियर का ट्रेड टेस्ट का, तो क्या कि लेट शुरू हुआ था, 10 बजे करीबन शुरू हुआ था, हमारी एंट्री हो गई थी 5:30 बजे। हाँ तो इतने देर क्या बैठे रहे, बच्चे सब परेशान हो गए। फिर है ना 500 बच्चे से जैसे सभी से है ना आटा लगवाया गया 1 मिनट में। मतलब पहले आपको एंट्री कितने बजे मिली? हाँ एंट्री एक कितने बजे मिनट मिली सर? हाँ एंट्री कितने बजे मिली? हाँ एंट्री 5:30 बजे। हाँ 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 फिर 1 मिनट में सबसे है ना आटा लगवाया गया, हाँ जैसे 20 बंदों को खड़ा करके एक लाइन में और आटा लगवा लिया उनसे। सर, 1 मिनट में कितने? अब सर वो क्या ही आटा लगाने पे होता है, जैसे लोज वाला लगाए कैसे लगाए, तो कहीं में दो, कहीं में एक, कहीं में तीन भी हो रहे थे, कहीं में एक ग्रुप तो ऐसा था कि उसमें बिल्कुल ही सिलेक्ट नहीं हुए सर, मतलब आटा लगाने के लिए कितना बोला, मैं ये पूछ रहा हूँ, कितना आटा सर। लगवाया सर? आटा एक कटोरी, छोटी कटोरी छोटी कटोरी, जैसे कितना होगा उसमें? 100 ग्राम के आसपास। मतलब कैसे बोला उन्होंने कि आटा लगा दो, या ये नहीं बोला कितने हाँ लोगों के लिए लगा दो? नहीं, आटा खुद ही आटा डालते हैं थाली में सबको, और फिर है ना आटा लगाओ। हाँ उसके बाद है ना सर जैसे 500 में से 52 बच्चे हम सेलेक्ट हो गए थे। उसके बाद हमने आमलेट के लिए किया, मतलब आमलेट बनाने के लिए दिया। आमलेट में जैसे नौ नौ के ग्रुप बनाए फिर उन्होंने दोबारा। हाँ मतलब फिर से, मतलब एक ही बंदे से आटा भी मड़वाया, आमलेट ही बनवा रहे हैं? आमलेट भी बनाई, क्या करवाया आमलेट, मतलब उसके कैसे, अंडे कितने थे? एक अंडा दिया था सर, उसमें जैसे
सामान रखा होता है, जैसे चक्कू है, गिलास है, कटोरी है, तेल है, तेल भी दो तीन तरीके की, जैसे सरसों का है, रिफाइंड का है, इस हिसाब से, और मिर्ची है, जैसे नमक है, प्याज है, हरी मिर्च है, और गरम मसाला है। कौन कौन सी चीजें ले रहे हैं वो अपने, जैसे अपन परोस रहे हैं अपनी थाली में, एक थाली कलेक्ट करो, वहां से टेबल से आपको कौन कौन सी चीजें लेनी है वो अपने थाली में इंक्लूड करो, और वहां पे जाके, और गैस जहाँ पे बेंचे लगे हैं वहां पे गैस पड़े हैं, अपने घर वाले गैस है, हाँ, नॉर्मल वाली। जो अपन घर में यूज करते हैं वो नॉर्मल वाली गैस है। हाँ ये भी बात सही है। हाँ हाँ, और एक जो पहला पहला बताया था उससे तो है ना, उसे सिलेंडर के रेगुलेटर लगवा के दिखाया था कि बस जो है ना, हाँ, 1 मिनट में जैसे वो विसल स्टार्ट करते हैं, जैसे पहले रेगुलेटर कौन लगाता है और कौन फिनिश करता है, बस उसी का हो जाता है, बस तो फर्स्ट इतना बेस है। वालों से हाँ, तो रेगुलेटर ही लगवाया। और जैसे साउथ कहते हैं उनसे है ना, जैसे आटा नहीं लगवाना आता तो जैसे सब्जी कटवा लेंगे उनसे, ऐसा क्यों? जैसे उनको आटा लगाना नहीं आता, उधर क्या चावल वगैरह चलते हैं ना, तो हाँ उससे उन्होंने आटा नहीं लगाना था, जिसको वो बोल सकता है कि मेरे को तो आटा नहीं लगाना था, वो उससे सब्जी कटवा लेंगे बाद, बाद या में कोई या हाल कुछ, की हाल ही तुम सब्जी काटते रहो, दूसरे बंदे और कुछ करते रहो। हाँ हाँ उनका बैच अलग बना देंगे बाद में। साउथ वालों का बैच ही अलग बना देते हैं। हाँ, तो इस तरह से सर पूरा टेस्ट होता हमारा। मतलब इंस्ट्रूमेंट क्या क्या थे अंदर, जो गैस थी वो मतलब कैसी, लाइटर वगैरह, उल्सा, बेलन भी देखे होंगे आपने। हाँ, चकला अपने घर में जो यूज होता है ना, चकला, बेलन था, लाइटर था, गैस अपने घर में जो यूज होता है वो गैस था, हाँ और चक्कू था, चक्कू जो उसे अपने हाँ घर में यूज होता है वो चक्कू था, और हाँ जैसे ऑमलेट बनाने के लिए वो एक पलटने का पतला सा होता है ना, चमटा वगैरह टाइप हाँ का, वो सब हर चीज मिलेगी, लेकिन सर बस बनाना आना चाहिए। हर चीज मिलेगी। और मतलब ये सामान तो ठीक है, सामान देख सिलेक्शन किस बेस पर हो रहा है, देख क्या रहे हैं वो लोग। सर जैसे ऑमलेट में ना देखा था, जैसे कि ऑमलेट कैसा बना रहे हैं, हाँ कि जल रहा तो नहीं है, फूल रहा है, कि या हाँ मिर्च मसाला सही सही से डाल रहा है, कि या सभी, जैसे कईयों ने तो जैसे जीरा नहीं लिया तो वो लिखते हैं कि इसने जीरा लिया है, कि इसने हल्दी लिया है, कि इसने नमक लिया है, कि नहीं लिया है, ऐसे हाँ तो हाँ उस गर्म मसाला लिया है कि नहीं है, हाँ उस हिसाब से। मीन्स बार वो भी देखी जाती है, मतलब क्या क्या सामान ले रहा है ये ना। हाँ, वो भी देखी जाती है, जैसे आप एक थाली में परोस लोगे ना, सभी को नोक खड़े हो गए तो वो हाँ देखेंगे क्या क्या है, इसके पास नाम लिख लेंगे, इसके पास ये है, लिख लेंगे, और फिर बाद में देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। सर आपका क्या हुआ सर, सर मैं बाहर हो गया ऑमलेट में, आमलेट मतलब क्या देखा उन्होंने, किस बेस पर बाहर कर दिया सर। सर सही से बना नहीं था बात ये मेरा, क्योंकि हमारे यहाँ कभी बनाया नहीं, नहीं खाया सर, तो इस वजह से रोटी बनाते हैं उसमें आटे में आ गया फर्स्ट ही, दूसरे बेंच में था सर मेरा, और पहले बेंच में से 3 लड़के लिए थे, दूसरे बेंच में से भी 3 लड़के थे, तो नंबर दे रहे थे क्या वो स्पेशल? नहीं नहीं सर स्पेशल नंबर नहीं दे रहे। अच्छा हाँ तो मीन्स आज आपको नंबर वंबर वगैरह कुछ नहीं दिए, नहीं, अब जो सिलेक्ट है उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। सिलेक्ट हुआ उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सर उन बंदों में से किसी को आप जानते हो जिन बंदों को सिलेक्ट हुआ है, जो अंदर है अपने? अभी कितने नहीं सर, सर बंदे सिलेक्ट किए लगभग? जैसे 3 बैच थे अभी, जैसे मेरे सामने 3 बैच निकले, तो उसमें 2 बैच में तो तीन तीन थे, और एक जो बैच था ना तीसरा, उसमें से 5 बंदे सिलेक्ट हुए 9 में से। हाँ, अच्छा वो ये सर ऑमलेट के, आज ऑमलेट ही बनवा रहे हैं सबसे, तो ऑमलेट बोल रहे थे, मीट भी बनवा सकते हैं। अच्छा वेज नॉन वेज कुछ ही बनवा सकते हैं। हाँ, कुछ भी बनवा सकते हैं, बोले आज तो आया हुआ नहीं है, जैसे मच्छी वगैरह, बाकी हाँ वो भी बनवा सकते हैं। हाँ मछली वगैरह भी बनवा सकते हैं। तो यदि ऐसे कोई नहीं बनाएगा फिर उसका कुछ तो उसका सर बस बाहर है, गेट की तरफ है रास्ता, कुछ सीधा, मतलब कोई पंडित वगैरह हो तो होता है ना अंदर में। कुछ नहीं है सर। अभी आज तो पहला दिन था सर, और पता नहीं कि सर कल कोई दूसरी चीज करवा ले। हाँ, हर दिन वो तो अपडेट वो लोग भी कर रहे हैं, अपन मैं भी सब लोगों को हर दिन अपडेट करता हूँ, इसीलिए और अपडेट आप, करता। आपके वीडियो सुने थे तभी तो आपको शेयर कर दिया हूँ, ताकि बिल्कुल सर सर दूसरे बंदों का भी भला हो। हाँ। और ये और बात बताइए सर, आपके सीवीटी में कितने नंबर थे सर? सर सीबीटी में चेक नहीं किया सर, मैंने आंसर की देखी थी उस टाइम, जैसे रिजल्ट आया किसी ने बताया था कि
रिजल्ट आया है भाई, चेक कर लेते। चेक कर लिया सर, उस टाइम बाद में चेक किया तो शो ही नहीं हो रही थी आंसर की। आंसर की शो नहीं हो रही थी, हाँ तो बाद में तो लेट किया टाइम था सर, मैंने क्या सर? लेट चेक किया था। उससे पहले भी तो कुछ होगा ना, उससे पहले तो पता चल गया होगा थोड़ा बहुत। हाँ तो इसे मैंने 35 के आसपास थे मैं सर, मेरे 35 35 के नंबर के। आसपास, तो 35 ही बहुत होते हैं, काफी अच्छे नंबर थे सर आपके तो। 40 अटेम्प्ट किए थे सर मैंने, 35 नंबर के आसपास थे। हाँ 35 नंबर के आसपास आपके टोटल थे। 40 अटेम्प्ट किए थे मैंने। ठीक है सर, अभी तो मेरी ट्रेन जा रही है सर। सर आप जो है कुछ और कहना चाहोगे? आपको पता है इसको हजारों लोग सुनने वाले हैं, अपने बंदों को थोड़ा मोटिवेट कीजिए। मोटिवेट तो ये कहना चाहूंगी कि सभी बंदे है ना, एक तो आटा अच्छे से लगा के आओ, कि टाइम के अनुसार उस लगाओ, घर पे भी लगाओ। ऐसा नहीं कि आटा लगाना आता है, वैसे नहीं, सबको आता है लगाना, बाकी है ना टाइमली लगाओ आप। और आमलेट है या सब्जी है, सब्जी बनाना सीख रहे हो, आमलेट भी बनाओ और सब्जी भी काट कटवा सकते हैं और सलाद भी, बस इतनी चीज कर। आज तो क्या है, दो तीन फर्स्ट डे था तो लेट हो गया था सर उनको, तो दो तीन ही चीज कर बनवाई, दो ही चीज बनवाई। सर आज मतलब पूरे बैच में लगभग रिजल्ट कब बोल रहे थे, जैसे कि कितने बंदों का कल पूरा होने पर रिजल्ट बोला जा रहा था सर? अभी सर देखो चल रहा है, अभी बीच में हमें क्या है, हम बाहर हो गए तो भेज दिया हमें, तो अभी बाकी चल रहा है सब। अंदर अभी चल रहा है ना कंटिन्यू, हाँ हाँ सर, और उसके बाद जब भी बंदे बाहर निकलेंगे, जब कोई अपडेट मिलेगा। चलो ठीक है सर। ये भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ बच्चों से कहना चाहते हो सर? नहीं सर, अब बस बहुत है सर। ना कह दिया, काफी है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो है आपने अपना कीमती समय अपने भाइयों के लिए दिया सर। थैंक यू। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद।